बॉक्स हमें यहाँ पे दिख रहा है जो कि शॉर्ट सर्किट करे। मुझे अभी भी वो दिन याद है, पहला वाला दिन था जहाँ पे टीम सोल पहली मैच में यहाँ पे काफी बढ़िया करते हुए नजर आए थे, बट यहाँ पे डेथ नोट के लिए थोड़ा सा परेशानी रहेगा, डाउन कर दिया जा चुका है। फिनिश ऑफ भी होते हुए नजर आएंगे एनिमका के रेक्स के द्वारा, बट यहाँ पे का डायरेक्ट लाइन देखने को मिलेंगे दो अलग अलग एंगल से ऑलरेडी सराउंड हो चुके हैं। ये लीजिए यहाँ पे खिलाड़ी की एंट्री होती दिखेगी काफी आराम से, यहाँ पे टीम वेट करे तो टीम रिवाइवल पे फोकस कर रहे थे, गलती कर दी छोड़ के रिवाइवल यहाँ पे अगर स्प्रे कनेक्ट करते तो एटलीस्ट एक पे को यहाँ पे डाउन कर सकते थे एंड देन उसका एक ओपनिंग क्रिएट कर सकते थे। एंगेजमेंट जहाँ पे सोल के खिलाड़ी काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, यहाँ पे मैक्सिमस के खिलाड़ी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे वो सवाल रहेगा, बट युवा भी का नेट जाएगा, मैडमैन आपको डाउन होता हुआ नजर आएगा, वीरू के ऊपर भी नेट गया था बट वीरू आपको वहां पे बचे हुए नजर आएंगे, टीम सोल यहाँ पे एलिमिनेट करके जाएंगे एक और टीम करने के साथ, टीम सोल के खाते में आपको छह फिनिशेस आता हुआ नजर आएगा। अभी तार कमिंग आउट फ्रॉम नोवेयर करता देखा, अभी भी वही सेम चीज हम देख पा रहे, बट बात क्या यहाँ पे रॉस की तरफ से फाइनली सवितार को भी यहाँ पे फिनिश कर दिया जाएगा, इसका मतलब तीन टीमें मात्र बची देखेंगे आपको। लेट्स सी किस तरीके से फाइट साइकिल कमला भाई को स्पॉट किया गया, डीबी की काफी बढ़िया स्पेस करने की कोशिश हुआ, क्लब से डैमेज काफी तरीके से डील किया गया था, नॉक कर दिया गया था, फिनिश भी हो जाएंगे, अब अकेले बचे हैं अपनी टीम से, लेट्स सी कहां तक लेके जा पाएंगे बिकॉज प्रेज इनके तरफ पड़ गया, एक और सही कनेक्शन एंड यहाँ पे इनका भी पिकअप आता देख सकते हैं आपको। जी बिल्कुल, साथ ही साथ सोल का इस टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल में दूसरा चिकन डिनर भी मुझे कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहा है। अब चैलेंज के लिए 2v1 का सिनेरियो है, युवा ओपी जरूर थोड़ा सा स्मोक करके मुझे लग रहा है कि अब उनको महसूस हो रहा है कि गलती कर दिया, बिकॉज वो जो प्लेयर थे वो काफी ओपन में थे एंड वो एटलीस्ट शॉट लेने की कोशिश करते चाहे वो डाउन क्यों ना कर पाए, बट ऑन दी अदर हैंड बात करी जाए तो टीम सोल के वीरू को देखिए काफी ज्यादा एक एग्रेसिव नेचर के साथ आगे जा चुके हैं, ग्रेनेड किया गया था, बाल बाल वहां पे बस्ते में नजर आए शैडो जी, एंड मेरे हिसाब से अगर वहां पे थोड़ा सा और वो कुक ग्रेनेड रहता तो आई थिंक यहाँ पे खत्म जो है होते हुए नजर आते, बट देखिए एक बार गलती किया बट दूसरे बार उसको दोहराया नहीं गया एंड देखते ही देखते अब शैडो जी को पिकअप किया जा चुका है, कमला बॉय ही विल बी द लास्ट सोलो प्लेयर रिमेनिंग फ्रॉम हिज टीम, बट रॉक्स बीइंग द आईजीएल डायरेक्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, कमला बॉय को स्पॉट किया जा चुका है, शॉट यहाँ पे लेते हुए नजर आएंगे, टीम सोल यहाँ पे 10 एंड 11 फिनिशेस के साथ फाइनली इस मैच का विनर विनर चिकन डिनर अपने नाम करके जाएंगे।